हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयरचैट प्रोफाइल में एक प्रोफेशनल बैनर किस तरह से लगाते हैं और साथ ही साथ इसकी साइज क्या रहती है, इसमें टेक्स्ट कौन से ऐड करने हैं और साथ ही साथ जो डिजाइन वाली पीएनजीज आती है वो किस तरह से ऐड करके एक परफेक्ट प्रोफेशनल बैनर किस तरह से बनाए जाते हैं प्रैक्टिकली आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि होता यह है कि जब भी हम क्रिएटर के तौर पर शेयरचैट एप्लीकेशन में अपनी पोस्ट अच्छी अच्छी और वीडियोस पोस्ट करते हैं तो कोई भी हमारी पोस्ट या फिर वीडियोस वायरल हो जाती है तो क्रिएटर सीधे विजिट करते हैं हमारी प्रोफाइल में, और प्रोफाइल में आने के बाद अगर हमारा जो बैनर आता है शेयरचैट प्रोफाइल का वो प्रोफेशनल नहीं है तो वो चाहे तो फॉलो कर भी सकता है और अनफॉलो भी कर सकता है। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखते हुए आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ कि शेयरचैट एप्लीकेशन में प्रोफेशनल बैनर बनाने के लिए कौन सी एप्लीकेशन की आपको जरूरत पड़ने वाली है और वो परफेक्ट साइज में जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको परफेक्ट साइज में फिट हो जाएगा कुछ इस तरह के आपकी शेयरचैट प्रोफाइल में, तो बैनर परफेक्ट और मस्त लगने वाला है। तो किस तरह से बनाना है सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। क्योंकि शेयरचैट एप्लीकेशन और जो भी शॉर्ट वीडियो एप्लीकेशन है उसमें ट्यूटोरियल वीडियो साथ ही साथ अर्न मनी से रिलेटेड वीडियोज में यहाँ पर बनाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी शेयरचैट का प्रोफाइल बैनर बनाने के लिए। उसकी लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हो पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको किस तरह से क्या करना है सब कुछ आपको चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर ले जाकर बता देता हूँ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में शेयरचैट प्रोफाइल बैनर बनाने के लिए जो भी हम PNGs और फोटोज यूज करने वाले वो आपके सामने कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो तीनों को आपको गैलरी में यहाँ पर जाकर सेव टू गैलरी पर सेव कर लेना है। ये टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सिंपली ज्वाइन करके आपको सभी इमेज डाउनलोड कर लेना है। फिर क्या करना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपकी गैलरी में ये फोटो आएगा तो सिंपली आपको पिक्सल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखना है और यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पिक्सल एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से फोटो आपका सेट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है परफेक्ट साइज शेयरचैट का प्रोफाइल बैनर बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे पीले कलर की मतलब कि येलो कलर की बॉर्डर एक दिखाई देती है। तो इस बॉर्डर से आपको ऊपर में टेक्स्ट लिखना है, इससे नीचे नहीं लिखना है। इससे नीचे लिखोगे तो आपकी यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएंगे, वो दिखाई नहीं देंगे, वो परफेक्ट साइज नहीं है। इसलिए ऊपर की जो आपको दिखाई दे रही है वो परफेक्ट साइज है। तो मान के चलते हैं कि हमें ये लाल वाला मतलब कि रेड वाला बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो आप अपने से गैलरी में आकर आप सेट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर तीसरे नंबर पर नीचे क्लिक कर देना है ऑप्शन पर, और दूसरे नंबर का जो इम्पोर्ट है इस पर क्लिक करना है, थ्री लाइन पर क्लिक करना है, फोटो ऐड कर लेना है। हमने ये फोटो ऐड कर लिया है तो राइट पर क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पर इसे जूम कर लेना है कुछ इस तरह से आपको, और यहाँ पर ऊपर से नीचे तरफ लेके आना है और यहाँ पर परफेक्ट आपको सेट कर लेना है बिल्कुल पीली जो अंडरलाइन है उससे ऊपर। तो ये हमारा फोटो सेट हो गया है। यहाँ पर ऊपर थ्री लाइन के ऊपर नीचे क्लिक करना है, यहाँ पर लॉक कर देना है इसे ताकि ये हिले डोले ना और हमारा परफेक्ट साइज यहाँ पर कंप्लीट हो जाए। तो इसके बाद हमें चलिए क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो पीएनजीज ली थी वो आपको यहाँ पर जाना है इंपोर्ट पर क्लिक करके एल्बम में जाकर आपको ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले ये वाली पीएनजी हमने ऐड कर दी है, इसे इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है, आधा कर लेना है, राइट पर क्लिक करना है और इसे इस तरह से आपको जूम करते जाना है। जूम करने के बाद कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगे जितनी साइज वो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको अंडरलाइन के बीच में सेट कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो हम इसे रखते हैं येलो कलर, येलो कलर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो कुछ इस तरह से सेट हो गया है। अब दूसरी दो पीएनजी हमने ली है वो ऐड कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे सामने पीएनजीस आ गई है तो इसको हम रोटेट कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया है 3D रोटेट पर क्लिक करना है, 180 डिग्री पर आपको यहाँ पर आ जाकर इसको इस तरह से छोटा कर देना है यहाँ पर और सेट कर देना है। आप जिस भी हिसाब से यहाँ पर साइज रखना चाहते हैं वो छोटा बड़ा यहाँ पर कर सकते हैं आकर, इस तरह से आपको कर देना है। और दूसरा यहाँ पर कॉपी करके एक ऊपर की तरफ लगा देना है, इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं 3D रोटेट पर।
यहाँ ऊपर पर जाकर इस तरह से कर देना है ताकि आपकी परफेक्ट साइज यहाँ पर सेट हो जाए। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको सेट कर देना। उसके बाद हमें तीनों को चारों को लॉक कर देंगे कुछ इस तरह से ताकि हिले डोले ना और हमारा काम आसानी से हो सके। अब बात आती है लोगो लगाने की, तो आपको अपना प्रोफाइल का लोगो ऐड कर लेना है। यहाँ पर इंपोर्ट पर जाकर ये है मेरी प्रोफाइल का लोगो, सिंपली मैं यहाँ पर इंपोर्ट पर क्लिक कर देता हूँ, कुछ इस तरह का रख देता हूँ। और यहाँ पर बाद में हम एडिटिंग करेंगे, पहले लिखना है वो याद वो ऐड कर देते हैं। टेक्स्ट किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पर ए पर जाना है, टेक्स्ट पर जाना है, यहाँ पर आपको हिंदी फॉन्ट ऐड कर देने हैं। आप बेसिकली जिस भी आपके बारे में आपका कंटेंट है, आप जिस भी जो भी आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं शेयरचैट प्रोफाइल में अपने अकाउंट में, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मैं यहाँ पर रोचक तथ्य बना रहा हूँ अपनी प्रोफाइल में, तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ऐड कर देता हूँ। उसके बाद मैं जीके फैक्स लिखता हूँ, तो इसका हम यहाँ पर जाकर कलर भी इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप फॉन्ट माय फॉन्ट पर जाकर ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी यहाँ पर फॉन्ट मिलते हैं वो भी आप यहाँ पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली यहाँ पर फॉन्ट्स ऐड करके रखे हैं, तो वह मैं सिंपली यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका कलर रखना चाहूँगा ब्लू कलर, तो यहाँ पर ब्लू कलर सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में जाने के बाद इनेबल कर देना है। यहाँ पर जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छा लगे वो कर देना है। मैं यहाँ पर सिंपली व्हाइट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर रेडियस पर जाना है और आपको यहाँ पर फुल रेडियस कर देना है कुछ इस तरह का, ताकि हमारा बिल्कुल अच्छा लगे यहाँ पर जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो अट्रैक्टिव लगे। और एंड में हम ऐड करेंगे करंट अफेयर्स। इसके बाद यहाँ पर हमने ऐड कर लिया है, और यहाँ पर हम रेड कलर चूज करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर फॉन्ट भी वही सिलेक्ट करेंगे पॉपिंस बोल्ड। और यहाँ पर बैकग्राउंड पर जाकर व्हाइट कलर फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रेडियस फुल कर देते हैं। तो कुछ इस तरह का हमारा यहाँ पर सेट हो गया है। तो चलिए मैं हम बारी बारी से सब कुछ ऐड कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको सेट कर लेना है, जो भी आपको जहाँ पर टेक्स्ट आपको चाहिए वो आप यहाँ पर कहीं पर भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर हमारा सब कुछ सेट हो गया है, यहाँ पर हम लोगो लगा देते हैं। लोगो लगाने के बाद आपको यहाँ पर बैकग्राउंड में भी कुछ लगाना है, तो यहाँ पर शेडो पर आना है, और शेडो यहाँ पर आप जो भी कलर का रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रेड पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर ब्लर रेडियस आप कुछ इस तरह से घटा और बढ़ा सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर 10 रखता हूँ और यहाँ पर राइट साइड पर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा प्रोफाइल बैनर रेडी हो चुका है। चलिए लगाने के बाद किस तरह से दिखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली सेव किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर ऊपर की तरफ दूसरे ऑप्शन में जाना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है, यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करके सेव कर लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर आ गए अपनी शेयरचैट एप्लीकेशन में। शेयरचैट एप्लीकेशन में आने के बाद प्रोफाइल पर जाते हैं। प्रोफाइल पर जैसे ही जाते हैं तो प्रोफाइल एडिट पर आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल एडिट पर क्लिक करने के बाद सिंपली बदले पर क्लिक कर देना है और गैलरी पर जाकर आपको ऐड कर देना है। तो गैलरी में से आपको फोटो लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। तो सिंपली आपको फुल जूम इन कर लेना है। जूम इन करने के बाद आपको ऊपर राइट साइड में क्लिक कर देना है, परिवर्तनों को लॉक करें पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही प्यारा हमारे यहाँ पर फोटो प्रोफाइल बैनर जो हम कह सकते हैं वो परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। टेक्स्ट भी अच्छी तरह से आ गया है। यहाँ पर जो हमने PNG डिजाइन वाली ऐड की थी वो भी आ चुकी है। लोगो भी परफेक्ट साइज से यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आप भी यहाँ पर प्रोफाइल बैनर बना सकते हैं। आपको अपने हिसाब से ऐड करना है, डिजाइन आपको जहाँ पर भी रखनी है वो रखनी है। पर मैंने आपको बता दिया कि पीली अंडरलाइन है उससे ऊपर आप करोगे तो आपकी परफेक्ट साइज यहाँ पर होने वाली है। प्रोफाइल में से कुछ भी आपका यहाँ पर कटेगा नहीं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। शेयर चैट ऐप से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर किसी भी एप्लीकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म में किस तरह से पैसे कमाना से वेरिफिकेशन लेना है, सब कुछ आपको मैं वीडियोज में बताता रहता हूँ। तो कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए।